अस्सलातु वस्सलामु अलैक या सैयदी या सैयदी या रसूल अल्लाह वाला आलिक वासहाबिक या सैयदी या नूर अल्लाह। हो लाख सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सकून, तूफ़ानों के रुख मोड़ दिए। उस रहमत आलम ने एहसान किया, क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया मंशूर दिया, कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। उस रहमत आलम की बातों में कुछ लुत्फ ऐसा हम नफसों के, जब से छेड़ा है ज़िक्र नबी सब ज़िक्र जहाँ के छोड़ दिए, कि जब से छेड़ा है ज़िक्र नबी सब ज़िक्र जहाँ के छोड़ दिए। नहायती वाजिबुल एहतराम अमीर मुस्तफ़ाई तहरीक व साबिक मरकज़ी सदर अंजुमन तलबा इस्लाम जनाब ग़ुलाम मुर्तज़ा सईदी साहब, बानी रुकन अंजुमन तलबा इस्लाम जनाब मियाँ फ़ारूक मुस्तफ़ाई साहब व साबिक मरकज़ी सदर अंजुमन तलबा इस्लाम जनाब अहमद वक़ार मदनी साहब व उनके हमरा दीगर जुमला ज़िम्मेदारान मुस्तफ़ाई तहरीक कारकुनान अंजुमन तलबा इस्लाम व आवाम अहले सुन्नत, आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया कि आपने सालाना रवायात के तसलसल को जारी रखते हुए एक दफ़ा फिर हज़रत दाता गंजबख्श अले रहमा के इस उर्स के मौके पे ये तीन रोज़ा मुस्तफ़ाई नशिस्त सजाने का अहतमाम किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा यहाँ आना, बुलाने वालों का बुलाना अपनी पाक बारगाह में मंजूर और कबूल फरमाए। दोस्ताने अज़ीज़ो वक़ार, चूँकि यहाँ पर तमाम हमारे उसातज़ाए कराम मौजूद हैं जिनसे हमने अंजुमन तलबा इस्लाम का पैगाम लिया, उनसे सीखा और कोशिश कर रहे हैं कि अपने इस 56 साल जदोजहद को इसी पैगाम के साथ मज़ीद परवान चढ़ाते हुए उस मंजिल मकसूद पर पहुँचाएँ कि जिस मंजिल का ख्वाब हमारे शोदा ने देखा था, शहीद याकूब कादरी साहब जो ख्वाब देख के इस दुनिया से अमर हो गए, शहीद पीर मोहम्मद पीरल साहब ने ये ख्वाब देख के अपने आप को अमर किया, शहीद इफ्तखार ने ये ख्वाब देख कर और आप कारकुनान अंजुमन आप साबकीन अंजुमन तक ये ख्वाब पहुंचा के इस दुनिया से इस दारे फ़ानी से रुखसत हुए। दोस्ताने अज़ीज़ो वक़ार, हम इस वक्त हाज़रीन अंजुमन तलबा इस्लाम अपने उसी ख्वाबों की ताबीर को यकीनी बनाने के लिए, उन ख्वाबों के उन अजायम की तकमील को मुकम्मल करने के लिए मैदान अमल में है। दोस्ताने अज़ीज़ो वक़ार, जैसा कि आपने देखा चंद दिन पहले भी अंजुमन तलबा इस्लाम के ऊपर जो नशेबो फराज के वाक़यात गुज़र रहे थे, हमने कोशिश की कि हम टेबल पे बैठ के अपने मामलात को किसी एक तरफ लेकर आए और हमने मामलात को हल किया। यकीनन अगर किसी कोई अगर जिस्म का एक हिस्सा नाकाबिले अमल काम करने वाला हो जाए या उस जिस्म में अगर कोई फालिज जैसी बीमारी लग जाए तो उस जिस्म के उस हिस्से को काट के फेंका नहीं जाता, जैसे तैसे करके उस जिस्म को अपने साथ चलाया जाता है ताकि उससे वो काम हम ले सकें जो वो काम हम लेना चाहते हैं। तो दोस्ताने अज़ीज़ो वक़ार, हमने भी सिर्फ इसी सोच के तहत इस काम को पाए तकमील को मुकम्मल किया और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मकासद हम हासिल करना चाहते हैं वो एक और नेक होकर हासिल करें। और हम अब उस लम्हात के बहुत करीब हैं कि अंजुमन तलबा इस्लाम अपनी उस मंजिल मकसूद पर पहुंचने वाली है। हम अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबका यहाँ आना और बुलाने वालों का बुलाना अपनी पाक बारगाह में मंजूर और कबूल फरमाए। बस इसी मुख्तसर से शेर के साथ अपनी इजाज़त जगा लूँगा कि सिकंदर मिजाजों से बस इतना कहना, कलंदर मिजाजों में हम बैठते हैं, जानते हैं गुड़ बादशाही के सारे मगर बादशाहों में ज़रा कम बैठते हैं। जज़ाकअल्लाह।